हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना। सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है? मान लो कि अगर मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूँ उसकी बाउंड्री के साथ साथ, तो जब मैं वापस उसी पॉइंट पे आऊँगा तो जितना डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया है या जितना डिस्टेंस मैंने इसकी बाउंड्री पर चला है, उस पूरे को हम बोलेंगे उस सर्कल का सरकमफेरेंस। तो इसको निकालने का इसका फॉर्मूला होता है π r। r है यहाँ पर रेडियस। चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर d मतलब डायमीटर लिया है 28 सेंटीमीटर और रेडियस लिया है 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस और डायमीटर का एक रिलेशनशिप होता है, मैं आपको वो बताता हूँ कि हमेशा रेडियस डायमीटर के हाफ के बराबर होता है। मतलब जब हमें डायमीटर गिवन होता है तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रेडियस आ जाता है। ऐसे ये 14 सेंटीमीटर भी आया हुआ है। तो अगर मैंने 28 जो हमारा डायमीटर है 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर, जो है हमारा रेडियस। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं इन सब को। 2 × π की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर 22/7 और आर हम लेंगे हमारा 14 सेंटीमीटर। ये 7 से 14 कट गया 2 पर, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 22 से तो आ गया 44। ये 44 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारा 88। तो 88 सेंटीमीटर आ गया हमारा सर्कमफेरेंस सर्कल का। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और नीचे कमेंट करके हमें बताइए आपने कितने क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस किए। थैंक यू सो मच।